यहां पर स्वामी समर्थ के आशीर्वाद से पावन अक्कलकोट की पवित्र नगरी में आया हूं। मेरा यहां के मल्लिकार्जुन भगवान को मेरा सत सत प्रणाम, सत सत नमस्कार है। मैं बसवन्ना को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने करोड़ों लोगों की आत्मा की ज्योति को जगाकर इनके जीवन को मुक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। वो महात्मा बसवेश्वर को भी आज मैं यहां पर प्रणाम करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भीमन्ना कोरे को भी याद कराना जरूर चाहूंगा, जिनकी हत्या कर दी थी। और मित्रों, हत्या की राजनीति करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसा मत समझना कि भीमन्ना कोरे की हत्या कर दी तो भारतीय जनता पार्टी दब जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इनके एक एक खून के कतरे से हजार हजार कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। मित्रों, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि पर आया हूं। इस वक्त आज मैं सबसे पहले हमारे यहां के प्रत्याशी को आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप जानते हो सचिन दादा को, एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़े नेता बनाने का मौका देती है। अभी सचिन दादा भावुक हो गए, कहने लगे पार्टी ने मुझे मौका दिया, देवेंद्र फडणवीस ने मौका दिया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आज आपने चुनाव लड़ने का मौका दिया। सचिन दादा, ऐसा मत समझो, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, देश का गृह मंत्री हूं, मैं भी पोस्टर चिपकाते चिपकाते यहां तक पहुंचा हूं, मैं भी माइक सेट करते करते नेताओं को हार देते देते सभाओं का संचालन करते हुए और बैनर पोस्टर लगाते लगाते आज यहां पर पहुंचा हूं। यही भारतीय जनता पार्टी की महान। मित्रों, एक और भारतीय जनता पार्टी है जो रद्दी इकट्ठी कर गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता को मौका देती है, सचिन दादा जैसे व्यक्तियों को मौका देती है। और दूसरी ओर एनसीपी और कांग्रेस है अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने दादा, अपने दामाद, अपने परपो के परिवार में कोई बाकी नहीं है जिनको टिकट नहीं मिलता है। जितनी बार मैंडेट मिलता है परिवार के एक व्यक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। मुझे बताओ अक्कलकोट वालों, ये परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र का भला कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? शरद राव, अजीत दादा, सुप्रिया सुले, उनके बेटे, अजीत दादा के बेटे, अभी नए बेटे आए नहीं है वरना वो भी चुनाव लड़ लेते। किस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र को परिवारवाद का ग्रहण घोषित कर रहा है। मैं आज अक्कलकोट वाले को कहने आया हूं, ये लड़ाई एक कार्यकर्ता और एक बाहुबली के बीच की लड़ाई है। मैं आज मेरे कार्यकर्ता का समर्थन मांग रहा हूं। आपका दायित्व है लोकतंत्र के अंदर एक कार्यकर्ता समाज के लिए जीता है, समाज के लिए परिश्रम करता है, समाज के गरीबों के लिए अपने जीवन का लक्ष्य तय करता है, उसको बड़ा बनाने का दायित्व अक्कलकोट के मतदाताओं का है। मुझे बताओ भाई, मैं तो बनिया हूं वादा लिए मगर वापिस नहीं जाऊंगा। सचिन दादा को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? एक कार्यकर्ता को ताकत दोगे? बाहुबली को परास्त करोगे? मित्रों, लोकतंत्र मजबूत करने का यही रास्ता है। भैया तुम भी बैठ जाओ, जरा बीच में खड़े हो, तुम भी बैठ जाओ। मित्रों, आज महाराष्ट्र के चुनाव के नगाड़े बज चुके हैं।
महाराष्ट्र का चुनाव शुरू हो चुका है। आज मेरी दूसरी आम सभा है। 2014 में हम आए थे, महाराष्ट्र की जनता के सामने हमने कहा था 15 साल एक कांग्रेस एनसी की यूटी ने भ्रष्टाचार से शासन किया। महाराष्ट्र हमेशा देश में एक नंबर रहता था, महाराष्ट्र को 15 नंबर 16 नंबर पर पहुंचाने का काम सरद्रावाणी कंपनी ने किया और आपने हमें आशीर्वाद दिया, देवेंद्र को आशीर्वाद दिया, मोदी जी को आशीर्वाद दिया और देवेंद्र जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। मित्रों 5 साल में उन्होंने महाराष्ट्र के गौरव को पुनः प्रस्तापित कर महाराष्ट्र को देश में नंबर एक राज्य बनाने की दिशा में आगे ले जाने का काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस ने किया। और दूसरी ओर अभी लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में आपने मोदी जी की झोली को कमल के फूलों से भर दी। मोदी जी आपके ही कारण प्रधानमंत्री बने, मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला ही सत्र आया, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को उठाकर फेंक देश के करोड़ों लोगों के मन में एक कसक कि हमारा कश्मीर मां भारत का मुकुट मणि, भारत माता का मुकुट मणि कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा बने, देश के साथ की तरस हो जाए। मगर धारा 370 और 35 है कश्मीर को देश के साथ जुड़ने नहीं, 41,000 लोग 90 से लेकर आज तक मारे गए। पाकिस्तान ने वहां आतंकवादियों का आतंकवादियों का एक नंगा नाच करने का भूमि बना दिया। एक के बाद एक सरकारें आई, कई पार्टियों की सरकारें आई, कई प्रधानमंत्री आए, मगर धारा 370 हटाने का किसी में साहस नहीं था। आपने आशीर्वाद दिया, मोदी जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, 300 सीट आई और एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री ने धारा 370 को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक। और मित्रों मैं आज अक्कलकोट के मंच पर से एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करिए कि धारा 370 हटाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस का स्टैंड क्या है। लोकसभा में राज्यसभा में आपने क्यों धारा 370 हटाने के लिए वोट नहीं दिया, मोदी जी का समर्थन क्यों नहीं किया? आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सत्ता आपको देश के ऊपर लगती है। मित्रों मैं आज कांग्रेस और एनसीपी को याद कराना चाहता हूं, हम भी विपक्ष में रहे हैं, हमने भी विपक्ष की सीट पर बैठकर राजनीति करी है, अगर जब मामला देश का आता है ना तब पार्टी की नहीं सोचते, देश की सोचते। मैं आज याद कराना चाहता हूं, इंदिरा गांधी की सरकार थी, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, इंदिरा जी ने पाकिस्तान को परास्त किया, बांग्लादेश की रचना हुई, हमारे सेना के जवानों ने विजय प्राप्त की, संसद का अधिवेशन आया, इंदिरा जी को सबसे पहली बधाई जनसंघ के नेता स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी ने देने का काम किया था। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इंदिरा जी कांग्रेस की नेता है, हम विपक्ष में थे, मगर देश का जब मुद्दा आता है तो पक्ष विपक्ष नहीं रहते, देश के लिए सोचना ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत। अरे राहुल गांधी जी 370 के मामले में आ गए विदेश से, भाई हंसिए मत, विदेश गए थे अभी आज आ गए। 370 के मामले में वो मोदी जी की खिलाफत करते थे, मैं आपको बताना चाहता हूं
यूपी के अंदर हमारे 12 जवानों को मार दिया गया, 40 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया गया। मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तानी आतंकवादियों को फूल चढ़ा दिया। मुझे बताओ मित्रों, बालाकोट पर बम गिरा है, सर्जिकल स्ट्राइक करी, मोदी जी ने अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? मित्रों, ये राहुल गांधी उस वक्त मोदी जी को कहते थे, सबूत लाइए, सबूत। मोदी जी पाकिस्तान के आतंकवादियों को खत्म करते हैं, पाकिस्तान वाले भी सबूत मांगते हैं, राहुल जी भी सबूत मांगते हैं। मोदी जी 370 हटाते हैं, पाकिस्तान वाले भी विरोध करते हैं, राहुल जी भी विरोध करते हैं। मोदी जी 35 से हटाते हैं, पाकिस्तान वाले भी विरोध करते हैं, राहुल जी भी विरोध करते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता, हर बार राहुल और पाकिस्तान की सोच एक क्यों होती है, ये मेरी समझ में नहीं आता। मित्रों, मैं शरद राव को भी पूछना चाहता, एनसीपी वालों को भी पूछना चाहता, कि आप स्पष्ट करिए कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के साथ आप है या नहीं। मुझे बताओ कल गोपाल, ये ट्रिपल तलाक हटा दिया मोदी जी ने, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ये ट्रिपल तलाक हटाने का भी विरोध करते हैं, वोट बैंक की राजनीति उनकी आदत पड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रनीति की राजनीति करती है, देश की राजनीति करती है, ये अंतर है दोनों पार्टियों के कारण। मित्रों, मैं महाराष्ट्र में पहले भी 2 दिन आकर गया, मैं महाराष्ट्र की जनता को अपील करने आया हूं कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और 2/3 बहुमत की यूटी की शिवसेना युति की सरकार बनानी है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये जो युति की सरकार बनेगी, इतने से पर्याप्त नहीं है। अब तक महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को 1972 में मिली थी, 222। आप मुझे बताओ, इस बार ये 222 का रिकॉर्ड महाराष्ट्र की जनता तोड़ेगी क्या? बताओगे? जोर से बोलो, तोड़ोगे? 222 पार कराओगे? मित्रों, महाराष्ट्र के विकास के लिए स्थायी कांग्रेस की सरकारें बनती थी, एनसीपी की सरकारें बनती थी, 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदलते थे, भ्रष्टाचार होता था, शहीदों के जवानों की विधवा के लिए जो फ्लैट दिए थे वो भी था, किसानों की सिंचाई के लिए 72,000 करोड़ रुपया खर्च किया, कुछ नहीं किया, एक फुट जमीन सिंचित नहीं हुई। हमारे देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ 9,000 करोड़ रुपया में 20,000 गांवों को जल युक्त सेवा बनाने का काम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया, और ईश्वर की कृपा भी देखिए, यह अकाल का क्षेत्र महाराष्ट्र में कई साल अकाल पड़ा, मगर राजा अच्छा आता है तो ईश्वर की कृपा भी होती है। देवेंद्र जी ने गांव गांव में खेत खेत में तालाब बनाए, ईश्वर ने इस बार बारिश भेजकर तालाबों को पानी से भरने का काम कर दिया, और मेरे किसान भाइयों के खेत के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। यहां पर नक्सलवाद, यहां पर भ्रष्टाचार, यहां पर सहकारी आंदोलन में भ्रष्टाचार, गन्ना मिलों में भ्रष्टाचार, बैंकों को लूटने का सिलसिला, ये सारा देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद बंद हो चुका है, और महाराष्ट्र आगे निकल गया है। मित्रों, और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए अभी अभी चुनाव हुआ है, अभी अभी चुनाव शुरू हुआ है, मगर कांग्रेस और एनसीपी मन से पराजित होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने हार को स्वीकार किया।
हमारे आज भी हर रोज कम से कम 20 नेता अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं। राहुल जी कल ही विदेश से लौटे, उन्होंने मन से पराजय को स्वीकार कर लिया है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीचे देवेंद्र, ऊपर नरेंद्र मोदी जी, ये डबल इंजन सरकार ने महाराष्ट्र का ग्रोथ करने का काम किया है, महाराष्ट्र को आगे ले जाने का काम किया है। पहले सरकारें आती थी, एक जाति की सरकार होती थी, एक क्षेत्र की सरकार होती थी, कभी कोई विदर्भ से आता था तो विदर्भ का काम करता था, कोई मराठावाड़ से आता था मराठावाड़ का काम करता था, कोई पश्चिम महाराष्ट्र से आता था पश्चिम महाराष्ट्र का काम करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जिले का विकास करने वाली सरकार है, हर जाति का विकास करने वाली सरकार है। मोदी जी के सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करने वाली सरकार है। और मित्रों, इसीलिए आज यहाँ पर एक विकास की धंधा बनी। मैं यहाँ आया तो मुझे किसी ने कहा कि भाई यहाँ पानी की बहुत तकलीफ है। मैंने कहा कि 15 साल से कल कोट वाले ने एक ऐसा विधायक चुना है जो पानी की समस्या हल नहीं कर पाया। इस बार मैं आपको वादा करता हूँ, सचिन दादा को जिता दीजिए, पानी की समस्या सचिन दादा हल करेंगे। अगर सचिन दादा हल करेंगे, मुझे भरोसा है अगर उनको कोई भी सहायता की जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी करेंगे और देश के प्रधानमंत्री भी अटल को इतने। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और हम बोले बगैर काम करने की आदत है। अभी अभी मैंने शरद राव का स्टेटमेंट देखा कि हमारे समय में महाराष्ट्र का विकास हुआ। मैं पूछना चाहता हूं शरद पवार जी, 10 साल तक आपकी यहां सरकार रही, 15 साल तक आपकी दिल्ली में सरकार रही, हिसाब लेकर आप जाइए, अक्कलकोट के चौराहे पर खड़े हो जाइए। मैं मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को भेजूंगा, आपके 50 साल मोदी जी के 5 साल हमारा पर्दा भारी हो जाएगा। तो जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यहां पर कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, 13वां वित्त आयोग आया, केंद्र ने महाराष्ट्र के लिए 1,15,500 करोड़ रुपया, कितना दिया था भाई, मैं फिर से बोलता हूं, 1,15,500 करोड़ रुपया, कितना बोलो अब। आपने मोदी जी की सरकार बनाई, आपने देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनाई और मोदी जी ने महाराष्ट्र को 1,15,000 से बढ़ाकर 2,86,354 करोड़ रुपया देने का काम किया है। मित्रों, 2.5 गुना पैसा। और इसके अलावे 26,000 करोड़ रुपया सिंचाई के लिए, सूखे के लिए 3,000 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपया, स्मार्ट सिटी के लिए 19,000 करोड़ रुपया, स्वच्छ भारत के लिए शौचालय के लिए 7,000 करोड़ रुपया, मेट्रो के लिए 20,000 करोड़ रुपया, अमृत योजना के लिए 7,700 करोड़ रुपया और 97,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास को दिया। कुल 4,38,760 करोड़ रुपया दिया। शरद राव, जरा हिसाब दीजिएगा, सांगली जिले वालों को, कोल्हापुर वालों को, कि आपने क्या दिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर घर घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया, गरीब माताओं को गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया, लगभग 90 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया और 5 देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी सुविधा
सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को देश की जनता को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये सब काम तो देवेंद्र जी और नरेंद्र जी ने किए हैं, मगर सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया है दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, दुनिया में देश का सम्मान। कांग्रेस के नेता कमलनाथ अभी बोले कि मोदी जी विदेश बहुत जाते हैं। मैंने आंकड़े चेक किए तो मनमोहन सिंह और मोदी जी के 5 साल के आंकड़ों में मनमोहन सिंह ज्यादा विदेश गए हैं, मोदी जी कम गए हैं। परंतु मुझे भी लगा कि ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी ज्यादा गए, तो मैंने वरिष्ठ पत्रकार को पूछा, मैंने बोला भैया ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी ज्यादा विदेश गए हैं। उसने कहा अमित भाई इतनी भी समझ नहीं है आप में। मैंने बोला भाई साथ जब हमें मालूम नहीं पड़ता है। उसने कहा पहले मोनी बाबा मनमोहन सिंह जाते थे, सोनिया जी के दिए हुए 2 अंग्रेजी में पन्ने लेकर जाते थे, वहां 2 पन्ने पढ़कर वापिस चले आते, कभी तो थाईलैंड का पन्ना मलेशिया में पढ़ते थे, मलेशिया का पन्ना थाईलैंड में पढ़ते थे। और मोदी जी जाते हैं दुनिया में जहां पर भी जाते हैं, चीन जाते हैं, जापान जाते हैं, रशिया जाते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, लंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, सब जगह जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगाने वालों की भीड़। और कांग्रेस के पेट में ये दर्द हो गया। मैं कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी जाते हैं और ये जो नारे लगते हैं ना, वो नारे मोदी जी के लिए नहीं लगते, भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान के लिए नहीं लगते। ये नारे अक्कल को महाराज और देश के 125 करोड़ की जनता के सम्मान में लगते हैं, तो जनता के सम्मान। जब अभी हाउडी मोदी में नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप स्टेज पर चढ़े, स्टेज पर चढ़ने के बाद भीड़ देखकर, अमेरिका में भीड़ देखकर ट्रंप से रहा नहीं गया, उन्होंने कह ही डाला कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। मित्रों, मोदी जी ने दुनिया में जहां भी गए देश की राष्ट्रभाषा में भाषण कर दुनिया में राष्ट्रभाषा का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं आपको इतना ही पूछूंगा, 2 सेनाएं आमने सामने, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यहां ला रहे हैं, RBI हमारे साथ, छोटे छोटे हमारे साथी दल के साथ, और इस ओर राहुल और शरद पवार जी के नेतृत्व में NCP और कांग्रेस है, एक और भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियां, एक और धारा 370 हटाने वाली, एक और महाराष्ट्र को लूटने वाली पार्टियां, एक और महाराष्ट्र का विकास करने वाली पार्टियां, एक और देश को सुरक्षित करने वाली पार्टियां, एक और वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां, एक और परिवारवादी पार्टियां और एक और देशभक्त पार्टी। मित्रों, आपका चयन क्या हो सकता है, वो ही आपको पूछने में आया है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।